सवाल ये भी है कि कांग्रेस के नेता है अजय कुमार, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के पीछे आप लोगों ने करोड़ों रुपए, जो चंडीगढ़ की सरकार है, पंजाब की सरकार है, उसने करोड़ों रुपए गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किए। किससे पूछा है सवाल? ये कांग्रेस के नेता अजय कुमार जो है उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस खत्म हो गई है? उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए, उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए। जनता साथ है, जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है, जनता सब खुश है। कल जिस प्रकार से आपने रिक्शा में जाके ऑटो वाले के घर पे खाना खाया, मगर वो जो विस्तार था वो सीएम का तो था ही, मगर साथ में अमित शाह का भी था, क्या पहले से प्लान किया हुआ था कि वही जगह पे जाना जो भाजपा का गढ़ गिना जाता है? कोई प्लानिंग नहीं थी, पर मुझे लगता है कि उन नेताओं को भी जाना चाहिए वहाँ पे। जब मैंने कल रात के वापस आने के बाद मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वहाँ जनता इतनी खुश थी मुझे देख के, इतनी खुश थी अपने बीच में देख के। तो लोगों उनसे पूछा, पत्रकारों ने, आप ही लोगों ने पूछा कि क्या बात है, इतने खुश क्यों? बोले पहली बार 30 साल में 40 साल में कोई नेता हमारी बस्ती में आया है। तो उसने, पत्रकार ने पूछा, भाई कभी चुनाव में तो वोट मांगने आते हैं? कहते चुनाव में वोट मांगने भी नहीं आते। आप सोचिए, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, इनको लगता है ऐसे ही जीत जाएंगे, वोट मांगने की क्या जरूरत है? वोट मांगने भी नहीं जाते, जनता के काम क्या करेंगे? हम जनता के लोग हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। तो कल मेरे उस ऑटो वाले भाई के यहाँ खाना खाने से इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप भी सब लोग जाइए और खाना खाइए जनता के बीच में, पता चलेगा कि जनता की तकलीफ क्या है। मैंने सुना है कि मोदी जी के बाद वो सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बना रहे हैं भाजपा वाले, उस पे उनसे पूछना क्या कहेंगे वो, मेरे प्रश्न को पूछना, उनसे हिम्मत करना थोड़ी सी। मैं जानता हूँ कि डर लगेगा आपको, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछना कि केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आप मोदी जी का सक्सेसर सोनिया गांधी जी को नेशनल लेवल पे पीएम कैंडिडेट बनाने जा रहे हैं, उनका उस पर क्या कहना है? नंबर एक। लेकिन अरविंद जी, उससे ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी उनको बैकडोर एज ए सीएम के तौर पर गुजरात की राजनीति में एंट्री करवाना चाहती है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ गोपी जी, कि वो बैकडोर से सोनिया गांधी को देश का पीएम बनाना चाह रही है बीजेपी, उनसे प्रश्न पूछिए, आप हिम्मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, मेरा ये कहना है, ये इस तरह के तर्क वितर्क कुतर्क, इससे गुजरात की जनता का भला नहीं होने वाला। बीजेपी हार रही है, कभी वो मेघा पाटकर को लेके आएंगे बीच में, कभी किसी को लेके आएंगे बीच में, कभी उनसे पूछो 27 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करोगे, जनता ये जानना चाहती है। 27 साल में कुछ नहीं किया और अगले 5 साल में इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है करने के लिए। वो हमारे, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, कि अगर हम गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त करना चाहते हैं, उन्हें क्या तकलीफ है? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? जम के विरोध कर रहे हैं, पूरी भाजपा विरोध कर रही है कि गुजरात की जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली की जनता की बिजली मुफ्त हो सकती है, पंजाब की जनता की बिजली मुफ्त हो सकती है, गुजरात की जनता की बिजली के खिलाफ क्यों कर रहे हैं?